उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के सांझे उम्मीदवार संजय लाठर को टिकट मिलने के बाद उनके पैतृक गांव जुलाना हलके के बूढ़ा खेड़ा लाठर में खुशी का माहौल। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर लड्डू बांटकर जताई खुशी और अखिलेश यादव का किया धन्यवाद। ग्रामीणों ने इस दौरान कहा कि उनके बेटे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। पिछले 3 दशक से वे लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में रहकर लगातार सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हल्के के लोगों की भी यही मांग है कि वो अपनी इस चुनावी रणनीति में सफल हों और मथुरा जिले के माट विधानसभा क्षेत्र से जो विश्वास कर संयुक्त गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है उस पर वो सफल होंगे। जुलाना हलके के अनेकों गांव से ग्रामीण मथुरा में पहुंचेंगे और अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर उसको जीत हासिल कराने में मदद करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोरोना की मार नहीं होती तो आज ही वे लोग मथुरा के लिए कूच करते और माट विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार करते। जैसे ही वहां से भाई का आदेश आएगा क्षेत्र के युवा बुजुर्ग और महिलाएं अपने बेटे के चुनाव के प्रचार के लिए और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए माट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और अधिक से अधिक मतों से अपने बेटे को जिताने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस प्रकार से विश्वास राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उन पर जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे। बता जी माट हल्का है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है। आज ही हमारे देवर को टिकट मिली है और उसके लिए ये जुलाना हल्के की महिला इकट्ठी हो रही हैं और हमने अपना सारा काम कर लिया, अब कमर कस लिया, जीत को दिवा के ले आवेंगे यूपी जाके ने, और सारा गांव और सारा यो हल्का तन मन धन तो साथ से हम सारे जाके और जिता के ले आवेंगे और सब तरह से सहयोग देंगे। हमारे आदरणीय संजय लाठर चाचा जी को जो यूपी से टिकट मिला हुआ है उस उत्साह में हम सभी महिलाएं जुलाना हल्का की सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और वहां जाकर तन मन धन जैसा भी हमें सहयोग मिलेगा वैसा हम करेंगे। सर, ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने हमारे डॉक्टर संजय लाठर जी को माट हल्का विधानसभा से अपना जनप्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि चुना है, तो उसके लिए गांव में और पूरे हल्के में बच्चे बच्चे में खुशी की लहर है, तो उसके कारण यहाँ पे लोगों ने खुशी के कारण और वहाँ पे उनकी मदद के लिए जाकर और गांव वाले सभी इकट्ठा हुए हैं। देखिए जी, आज हमारे गांव के एक युवा को उत्तर प्रदेश में
लारोद और समाजवादी पार्टी की तरफ से मथुरा में जो वाट विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से टिकट दी गई है, उस पर भरोसा जताया गया है गठबंधन ने। उस खुशी के माहौल में यहाँ पर पूरा गांव एकत्रित होकर लाडू बांटे जा रहे हैं और लोगों में खुशियों का माहौल है। ये तो कोरोना है नहीं तो आज ही हमारे गांव के लोग वहाँ पहुँच जाते। कोरोना की कुछ पाबंदियों के कारण यहाँ रुके हुए हैं और जल्द से जल्द वहाँ पूरा गाँव एकत्रित होकर जाएगा और हर ढंग की मदद जो है डॉक्टर संजय लाठरी करेगा। सर, यूपी में मथुरा मठ विधानसभा है जहाँ से हमारे चाचा जी हैं डॉक्टर संजय लाठर जी, उनको टिकट मिली है गठबंधन से और बड़ी खुशी की बात है। हमारे गांव से 36 बरादरी के आदमी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और खुशी का माहौल है पूरे गांव में, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और पूरा गाँव इतना ज़ोर शोर से उत्साहित है कि वहाँ जाकर हर तरह की मदद करी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए हैं।